हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन चैनल दी मफलर गाय। आज मैं आपको ऐसी नॉवेल्स बताने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा रोमांटिक हैं, रोमांस एंड प्यार से भरी हुई हैं एंड इंडियन ऑथर्स ने लिखी हैं। क्योंकि अगर इंडियन ऑथर्स के आप रोमांटिक नॉवल पढ़ोगे, आप इजिली रिलेट कर सकते हो उस चीज से, अपने आप को उस चीज में डाल सकते हो। बहुत ज्यादा रियलिटी से भरी होती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आप लोग मुझे बता फेट कर रहे हैं नॉवल्स का नाम जानने के लिए, तो हम वीडियो को शुरू कर। पहली नॉवल है विश आई कुड टेल यू बाय दुर्जोय दत्ता। दुर्जोय दत्ता मेरे पर्सनल फेवरेट ऑथर्स में से आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं एंड ये बहुत ज्यादा रोमांटिक नॉवेल्स लिखते हैं। तो जो ये नॉवेल है, ये बेसिकली इसका जो बेस है वो है कि जो मेन लीड है अनंत, वो सबका भला करना चाहता है, सबका अच्छा करना चाहता है, समाज सेवा करना चाहता है। दैट्स व्हाई ही ज्वाइन अ एनजीओ वहां पे, ताकि ये लोगों का भला कर सके। एंड जो फीमेल लीड है मोहिनी, मोहिनी एक ऑथर है जो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इधर उधर घूमती है एंड फाइनली वो इस एनजीओ तक पहुंचती है एक अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने के लिए। वहां पे दोनों मिलते हैं, आगे ये दोनों मिलते कैसे हैं, इनकी क्या केमिस्ट्री बैठती है, क्या कुछ इन दोनों के बीच होता है, वो आपको ये बुक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। बुक पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जा सकते हैं, सारे लिंक्स मैं दे दूंगा हर बुक के। गाइस, जो सेकेंड नॉवल है हमारी वो है यू आर द बेस्ट वाइफ बाय अजय के पांडे। ये भी नोवेल बहुत अच्छी है, मैं पढ़ चुका हूँ एंड सीरियसली यार पढ़ के इतना मजा आता ना, इतनी रोमांटिक है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है, ये दोनों जो मेन लीड हैं इसमें, दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, लड़के को प्यार हो जाता है पहली ही बारी में, कहते हैं ना पहली नजर में देखा वो प्यार हो जाता है। उसके बाद इन दोनों के फैमिली ड्रामे के बाद, यार फैमिली ड्रामे होने बनते हैं, उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है, हैप्पीली रहते हैं। बट उसके बाद क्या होता है कि जो मेन लीड है, मैं बताऊंगा नहीं स्पॉइल हो जाएगा, मतलब कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, काफी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं बाद में। तो कैसे लाइक वो मिलते कैसे हैं वो मेरे को बता दे, आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं फैमिली में, वो कैसे उसको अप्रोच करता है कुड़ी को, कैसे उसको प्रपोज करता है, एंड सब कुछ सेट होने के बाद, शादी होने के बाद खुशी खुशी फिर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे सॉर्ट करते हैं, ये जानने के लिए आपको ये नॉवल जरूर पढ़नी पड़ेगी। ये भी आपको लिंक पर मिल जाएगी, नीचे आप देख सकते हैं। गाइस वाली मैं पक्का रिकमेंड करूंगा, जरूर पढ़ना, बहुत 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 ज्यादा अच्छी नॉवल है। पर्सनली मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ, मुझे इतनी अच्छी लगी थी, बट हाँ जरूर पढ़ने, नॉवल बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं हमारी थर्ड नॉवल के बारे में, दैट इज विल यू स्टिल लव मी बाय रविंदर सिंह। ये बहुत प्यारी स्टोरी है। ये स्टोरी जो है इसमें दो करेक्टर्स हैं, एक है लावण्या, एक है राजवीर। लावण्या शिलोंग से है, राजवीर पटियाला से है। ये दोनों मुंबई से चंडीगढ़ ट्रैवल करते हैं एक ही फ्लाइट में, लकीली दोनों एक साथ बैठते हैं, इनकी सीट्स बिल्कुल साथ में होती हैं। अब क्या होता है, बातें होंगी नहीं होंगी, प्यार होगा नहीं होगा, कैसे होगा, आगे क्या होगा, दो डिफरेंट बैकग्राउंड से मिले लोग, इनकी लव स्टोरी कैसे जाएगी, क्या होगा, अगर आपको ये सब जानना है तो ये नॉवल जरूर पढ़िए। यही कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे, इसलिए मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी पढ़ने की, इसलिए मैंने शुरू किया। दिल से बता रहा हूँ, अब तक जितनी पढ़ी है बहुत प्यारी नॉवल है, रिलेट कर पा रहा हूँ मैं इजीली। पूरी नहीं पढ़ी है अभी मैंने, बट अभी पढ़ रहा हूँ, रिव्यूज इतने अच्छे अच्छे पढ़े हैं इसके बारे में, मैं रुक नहीं पाया कि अब तो पढ़ूंगा पढ़ूंगा। तो आप भी मत रुको, अभी के अभी लिंक से बाय करो एंड पढ़ो यार। अब बात करते हैं हमारी फोर्थ नॉवल के बारे में, व्हेन डिंपल मीट ऋषि बाय संध्या। दिस नॉवल इज ऑल्सो वेरी गुड नॉवल। इसमें सिर्फ रोमांस नहीं मिलेगा आपको, इसमें बहुत फनी मोमेंट्स भी मिलेंगे, बट रोमांस भी मिलेगा। अच्छी रोमांटिक नॉवल है, बहुत अच्छे से स्टोरी को लिखा गया है, बहुत अच्छे स्टोरी को नरेट किया गया है इस नॉवल में। दैट्स द मेन पार्ट कि आप नरेशन कैसे, बहुत प्यारी नरेशन है इस नॉवल की, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने लास्ट टू लास्ट मंथ ये नॉवल खत्म की है एंड दैट्स अ नॉवल इज अ वेरी गुड नॉवल। अब बात करते हैं नॉवल का बेस क्या है। इस नॉवल का बेस है जो मेन लीड है संध्या मेनन डिम्पल, उसकी लाइफ सॉर्टेड है, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है अच्छे तरह से। अब वो क्या चाहती है, हर एक इंडियन बच्चे की तरह अपने घर से दूर जाना, जैसे हम लोग हर इंडियन चाहता है एक बार को तो दिमाग में आता है कि ग्रेजुएशन के तो हम चलते हैं घर से दूर रहें। दूसरा रीजन इसका घर से दूर रहने का ये भी है, इसकी जो मॉम है वो एक हर इंडियन मदर की तरह, एक इंडियन पेरेंट की तरह इसके लिए अब हस्बैंड ढूंढ रही है, क्योंकि ग्रेजुएशन होगी, एक इंडियन हस्बैंड, प्रॉपर इंडियन हस्बैंड ढूंढ रही है इसके लिए। सो दूसरी तरफ जो मेल लीड है ऋषि, उसका प्यार पे कोई यकीन नहीं है, प्यास उसका विश्वास उठ चुका है, वो बिल्कुल दूर है इन सब चीजों से। उसको एक अरेंज मैरिज करनी, क्योंकि उसको ट्रेडिशंस बहुत पसंद है, कस्टम्स बहुत पसंद है। तो जब दो बिल्कुल डिफरेंट थिंकिंग वाले लोग मिलेंगे, फन तो होगा यार, बट रोमांस भी होगा। कैसे होगा रोमांस, क्या स्टोरी होगी, क्या
उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, जरूर पढ़ना है यार, क्योंकि दो बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट के लोग मिलते हैं, प्यार होता है, कैसे होता है, होता भी है या नहीं, सक्सेसफुल होता है या नहीं, एंड फनी मोमेंट्स बहुत है इस नॉवल में। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा ये नॉवल आप लोगों को पढ़ने के लिए, जरूर पढ़ना। सॉरी यू आर नॉट माई टाइप, मैं आपको नहीं बोल रहा, मेरी अगली नॉवल का नाम है सुदीप नागरकर के द्वारा लिखी गई है। भाई सुदीप नागरकर की नॉवल्स, मतलब मेरे पास उसकी सारी नॉवेल्स पड़ी हैं कलेक्शन में, अभी जहां शूट कर रहा हूँ उसके पीछे पूरा रैक भरा हुआ है उनकी नॉवेल्स का, बिकॉज मुझे उनकी नॉवेल्स बहुत पसंद है। ही इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स, बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। अब बात करते हैं इस नॉवल के बारे में। इस नॉवल में तीन दोस्तों की स्टोरी है, अनामिका, युवा, विक्रांत। इस स्टोरी में क्या होता है कि ये जो पूरी स्टोरी है इनकी लाइफ और इनका म्यूजिकल बैंड युवा इसके अराउंड घूमती है, कैसे आदित्य इनकी लाइफ एंड इनके बैंड को पूरे कुछ चीज को चेंज कर देता है। इन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इनकी लाइफ ऐसे टर्न्स ले सकती है, ऐसे चेंज हो सकती है। बट आदित्य कौन है मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, नोवेल पढ़िएगा आपको धीरे धीरे पता चलेगा आदित्य कौन है। इस नोवेल को मैंने इस लिस्ट में इसलिए रखा बिकॉज एक तो मेरी फेवरेट है, दूसरा इसमें आपको लव रोमांस तो मिलेगा बट एक अच्छी रोमांटिक स्टोरी में ड्रामा, फ्रेंडशिप, हेटरेट, बिट्रेट जरूरी है, ये सब मिलेगा आपको स्टोरी में। हद से आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे जो बहुत पसंद भी आएंगे आपको, बहुत सस्पेंस भी करेंगे ग्रेट। सो वेट किसका कर रहे हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अभी बाय करो अमेजोन से और पढ़ो यार, और मुझे बताना कमेंट में आपको ये वाली नॉवल कैसी लगी, क्योंकि मेरी तो फेवरेट है यार। मगर मैंने जिसको रिकमेंड किया उसने यही बोला भाई बेस्ट नॉवल रिकमेंड किया तुमने, सो रिकमेंड में जरूर बताना ये वाली नॉवल आपको। हाफ बेग लव स्टोरी बाय अनुराग एंड गुंजन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि इसमें एक ऐसा टर्न है जो किसी ने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। ये जो स्टोरी है ये है आरफ एंड अनामिका की। आरफ एक रिच ब्रैट जो हर किसी लड़की के साथ सोता है, कोई भी लड़की उसे मिलती है उसके साथ तो वो सोता है, इज अ प्ले बॉय। बट द ट्विस्ट इज दिस, वो ऐसा कभी था ही नहीं, वो पहले एक बहुत ही ज्यादा लॉयल एंड क्या बोलते संस्कारी टाइप बंदा था। उसकी एक ही गर्लफ्रेंड थी अनामिका, पहला प्यार है, इकलौता प्यार, उसे बिल्कुल लॉयल था। तो ऐसा क्या टर्न ट्विस्ट हुए, ऐसा क्या बदला कि वो ऐसा बन चुका है, ये चीज जानने के आपको नॉवल पढ़नी पड़ेगी। नॉवल के अंदर अपने मुंह से ये बताएगा आपको कि कैसे क्या हुआ, क्या हुआ एक्चुअली, क्या होता है कि एक न्यू ईयर पार्टी पे कि बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है, एंड उसके बाद अपने फ्रेंड से अपना पूरा स्टोरी को बताता, अपनी पूरी स्टोरी को। तो जितनी नोवेल लिखी गई है पूरी एक फ्लैशबैक में लिखी गई है, बहुत प्यारी नरेशन है फ्लैशबैक में, आप जरूर पढ़ना इसको, मुझे बताना आपको कैसी लगी। मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, नरेशन भी बहुत अच्छी लगी है, जो ट्विस्ट है वो जानने के लिए तो मैं पागल था, इसलिए मुझे पढ़नी पड़ी नॉवल, क्योंकि यार एक लॉयल बंदा कैसे प्ले बॉय बन गया मुझे बहुत जरूरी था जानना, क्योंकि मेरा दिमाग में रोज ये घूमता था यार, क्योंकि मैंने इसका थोड़ा बहुत पढ़ा था, देन मैंने इसके रिव्यूज पढ़े थे, मुझे कई लोगों ने बताई थी इसकी ऐसी थोड़ी सी स्टोरी, सो मुझे क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। ऐसे अब आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी मुझे पता आपके दिमाग में, सो जरूर पढ़ना इस नॉवल को और मुझे बताना। सो गाइस ये मेरी लिस्ट थी 6 नॉवल्स की, रोमांटिक नॉवल्स की। बट लास्ट में एक आपको बोनस एडवाइस देना चाहूंगा, एक नॉवल है आई एम एवरेज लुकिंग गाय विल बी यू माई गर्लफ्रेंड, रुपेश कुमार ने लिखी है। ये पहली नोवेल थी जो मैंने कभी रोमांटिक नोवेल पढ़ी थी, ये पहली नोवेल थी मेरी, एंड ये पढ़ने के बाद आई वॉज लाइक यार कोई कैसे लिख सकता है इतनी प्यारी, उनके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, ही नो हाउ टू एक रीडर के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं राइटिंग में, ही नो इट वेरी वेल। तो स्टोरी लाइनअप है ना, एंड में जो ट्विस्ट है एंड जो भी है ये सब यार, आप मतलब इतनी रोमांटिक है, इमोशनल, भाई मैं रो पड़ा, मैंने पहली बार ये नॉवल पढ़ी थी एंड आते तक मैं रो पड़ा था, ये इतनी रोमांटिक नॉवल है, मतलब क्या बताऊं, कोई इमोशनल बहुत है ये नॉवल, ये जरूर पढ़ना। इसका लिंक भी मैं अलग से आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस ये मेरी पूरी लिस्ट थी रोमांटिक नॉवल्स की, जो भी आपको पसंद आए आप जाके क्लिक करो, बाय करो एंड पढ़ो, एंड मुझे कमेंट करके या मेरे इंस्टाग्राम पे बताओ आपको कौन सी अच्छी लगी। इफ समवन वांट कि आपको सिर्फ पढ़ने के लिए नॉवल चाहिए, आपको बाय नहीं करने, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वी विल डिस्कस कैसे सॉर्ट आउट करके मैं आपको नॉवल भिजवा दूंगा, आप पढ़ के मुझे वापस कर सकते हैं, ये ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि यार पढ़ना जरूरी है, चाहे लेके पढ़ो चाहे वैसे ले लो, मर्जी है आपकी है। ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत वीडियोज आने वाली हैं, एंड नोटिफिकेशन बेल को
दबा दो।